हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या झूठा है, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe for guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में, of course, उनके person जो है, उनकी भावनाएं जो है, कितना उसमें सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या है actual truth. So let's see. Universe for guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में, of course, उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द एट ऑफ वेंड्स, वी डू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव सिक्स ऑफ वेंड्स, वी डू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सो सिक्स सिक्स सेवन एंड एट, स्पेशली सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा कुंभ मिथुन तुला टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, क्योंकि हम दूसरा डेक से भी उसको वेरीफाई करेंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी भावनाएं कुछ इस कदर है, कुछ इस तरह से ही सोच रहे हैं कि ये इंसान जो है ना, बेचैनी उनकी दिल में हो रही है, ठीक है? दे कैन नॉट लाइक यू नो दे हैव बिकम सो एंग्शियस एंड रेस्टलेस देन एवर बिफोर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इन्होंने वेट किया है। मे बी इन्होंने वेट किया है आपके लिए, ठीक है? और अगर लास्ट मोमेंट में आकर अगर आप रिजेक्ट कर देते हो या अगर आप ना कर देते हो तो वो कहाँ पर जाएंगे फिर? अगर ये इंसान जो है आपको प्रपोजल देते हैं एंड बाई चांस यू रिफ्यूज टू दैट प्रपोजल एंड यू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तो क्या होगा? क्योंकि ये जो फ्यूचर है, ये जो भविष्य है, उसके बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, तुरंत चाहिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इन्होंने शायद आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ आपने शेयर किया, तो तब तक उन्होंने सुना, ठीक है? फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इससे बेटर है कि हम इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाए, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा हल निकल ही देते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट योर पर्सन वॉन्ट्स टू फ्रेम और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू ओनली। They will leave their past behind. वो जितना भी उनका जो, जैसे बोला जाता है ना, इतिहास के पन्नों पर अभी कौन जाके देखते हैं? तभी देखते हैं जब हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसा सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो ही हम पास्ट में जाके उसको रियलाइज करते, अच्छा ये हुआ था तो इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन में ये है। तो उनको ऐसा लग रहा है इतिहास और जो पुराना जो है उसको कुछ तहकीकात करके या उसके अंदर झांक के कुछ और ज़रूरत है नहीं। इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप। और ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक सॉलिड फ्रेम ऑफ माइंड पर ये पहुँच गए हैं, जहाँ पे ये इंसान कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हाँ, इन द करेंट सिचुएशन में बी दे आर बिजी विद देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैवी बर्डन इज देयर, शायद इनके लोड शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, अकेले ही है,
बट ये इंसान ऐसा मानते हैं कि मैं अकेले ही काफी हूँ, अगर ये आपका साथ आपको मिल जाए, मतलब द स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर वेयर इट इंडिकेट्स दैट अगर आपका साथ मिले तो ये कुछ भी काम जो है वो कर लेंगे, बिकॉज एक मोरल सपोर्ट तो कॉन्स्टेंटली मिलेगा ही. नाउ ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों को संतुष्ट करने मत जाइए, आपका पूरा जिंदगी बीत जाएगा वो संतुष्ट करते करते. मे बी उनके घर वालों को आप संतुष्ट रखते हैं, मे बी यू टॉक टू देम सो नाइसली, यू टेक केयर ऑफ देम इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू आर नॉट मैरिड ऑल्सो, हो सकता है आपके साथ इनकी सगाई हुई है, सो आप बहुत ध्यान रखते हो. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे संतुष्ट नहीं है उनके घर में, और वो ऐसा मानते हैं कि पूरा जिंदगी बीत जाएगा लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे. सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन वन सेल्फ ओनली. सो आपके पर्सन जो है डिटरमाइंड है दैट वंस दे गेट मैरिड टू यू या आफ्टरवर्ड्स दे विल शिफ्ट इन अ न्यू डिरेक्शन. ठीक है, वो और उस जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं. या ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लाइक यू नो व्हाट, दे आर अटैच्ड ओके टू देयर हाउस. यू नो व्हाई, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका पालन पोषण वहाँ पे हुआ, दूसरा है कि हो सकता है कि उस घर को बनाने में उनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है. सो दैट्स वाई एक क्लिंगीनेस उनका है, उनका घर के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज दे हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ओवर देयर. अगर वो उस माया मोह को भी छोड़ने के लिए तैयार है तो क्या आप उनको साथ दोगे ना, यही वो चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि पैसा है तो बना लेंगे हम नया मकान, नया घर भी बन जाएगा, लेकिन आप जैसा रिश्ता नहीं हो पाएगा फिर. ओके, सो इवन इफ दे हैड बीन मैरिड टू समवन एल्स, अगर उनकी शादी कहीं और जगह पे भी हो चुका है तो भी वो उस जगह से दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप. ठीक है, सो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आर यू रेडी टू मूव ऑन ओके फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आर यू रेडी टू मूव ऑन अलॉन्ग विद दिस पर्सन. वो वही डिमांड कर रहे हैं. यहाँ पे मुझे झूठा फरेबी इस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा है. हाँ, अगर आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो हो सकता है कि कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, लेकिन यहाँ पे छल कपटता जो मैंने आपको कहा था कि नकाब, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी प्रिसाइज. नाउ लेट मी सी व्हाई देयर इज एट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स क्यों है, व्हाई देयर इज एट ऑफ वैंड्स, व्हाई देयर इज एट ऑफ वैंड्स. देखो, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट. द मैजिशियन कार्ड जेमिनी. इंसान जो है आपके साथ इंटरेक्शन, यहाँ पे देखो द फेस इज देयर, यहाँ पे है मैन, राइट, मैन और वुमेन वट एवर. नाउ दे वांट अ टोटल, ठीक है, इंटरेक्शन विथ यू, कम्युनिकेशन विथ यू. वाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. वो आपसे पूरी तरह से खुद भी क्लियर होना चाहते हैं और आपसे भी स्पष्टता सुनना चाहते हैं, चाहे आपकी जवाब हाँ में हो या ना में हो. ना ये जो वो चाहते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्कल है. स्कल मीन्स द डेथ, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स अ न्यू चैप्टर टू मूव ऑन. सो दे वांट योर डिसीजन, क्या आप इसी रिलेशनशिप में, ठीक है, खुश हो, और यू आर रियली मैनिफेस्टिंग समवन इन योर लाइफ. वो ये भी जानना चाहते हैं क्या आप सही में किसी और को भी अपने जिंदगी में आकर्षण कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो या नहीं. सो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, वो तो ये सुनेंगे ही. सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. You are unique, be brave, a little crazy, but be yourself. वो जानते हैं आप थोड़ा सा sad हैं, but आप थोड़ा सा पागलपंती भी है आपके अंदर, और इसी सारे qualities के वजह से ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. You are very cute, you are very pleasant,
ओके इन योर बिहेवियर एंड यू आर सो सोबर ऑल्सो, ठीक है। और इसीलिए उनका जो एक क्लिंगी एटीट्यूड है सिर्फ आपके वजह से ही है, अदरवाइज वो पेशेंटली आप ही के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप उतना ही एग्रेसिव होते या बहुत ज़्यादा फाइटिंग नेचर होता तो शायद वो आपके लिए इंतज़ार नहीं करते। ओके एंड उनको ऐसा भी लगता है अगर आपके पर्सन ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है पास्ट में, आप ही जानते हो, सो उनको ऐसा लगता है कि जीत तो उन्हीं की होनी चाहिए फिर। सो व्हाई देयर इज सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स क्यों है, व्हाई देयर इज सिक्स ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। जब राजा जब महाराज जीत के आते हैं, ठीक है, तब वो अपने राज्य को भी सुरक्षित करते हैं, अपने राज्यों में जितने भी लोग हैं वो भी सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे राजा या दूसरे महाराज उनके शहर को या उनके राज्य को कैप्चर नहीं कर पाते, राइट, तो वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने उनकी जो है ना कहीं ना कहीं पे यू हैव यू कैन से कैप्चर दिस पर्सन्स हार्ट एंड अटेंशन, तो आपसे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब आपसे बढ़िया कुछ नहीं है। आपसे अगर कोई और भी आ जाता है रिलेशनशिप में तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा सिक्योर महसूस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे व्हाई देयर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे इतना डिटर्मिनेशन क्यों है, किस बात का है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अ लाइट फील एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 38 है विच कम्स टू नंबर 11, और यहाँ पे भी जस्टिस का यहाँ पे एक सिंबल है विच इज़ द स्केल। बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, ये जो अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा समय चल रहा है जो अटेंशन है, ठीक है, और मतलब मिसमैच हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप कुछ आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं, आप जैसे खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, तो लेकिन उनके जहन में ये तो है, ये तो वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि ये सिचुएशन ना ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब अच्छे दिन जो है वो शुरू होंगे। ओके व्हाई देयर इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, व्हाई देयर इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, लिव प्लेफुली विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। कहीं ना कहीं भाई इंसान ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया है कि वो आपका साथ हमेशा देंगे, रहेंगे और ये रिलेशनशिप, कैन यू सी द लोटस, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, ओवर योर रिलेशनशिप। द लोटस सिग्निफाइज द प्योरिटी, कीचड़ क्यों ना हो लेकिन वो होता तो है उतना खास। सो खास वाले रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कैन यू सी द फ्लावर्स विच हैज़ ऑलरेडी ब्लॉसम्ड, और यहाँ पे भी वही फ्लावर्स ही है यहाँ पे। सो आपके साथ ये इंसान खुश रह सकते हैं ना, लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। और यहाँ पे क्या है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कौन सा कार्ड है, इट इज अ कार्ड विच मीन्स that you will get away from conflicts, situations, your karma, and definitely you are going to enter into the world of light. Turbulent situation, मतलब बहुत ही भयानक सिचुएशन से लेकर एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे सब कुछ लाइट हो। Three of Pentacles पूरी तरह से रेजोनेट कर रहा है, Three of Pentacles यहाँ पे क्यों है, Why there is three of pentacles? Release your inner rebel. कहीं ना कहीं पे इंसान जो पहले अपने अपना उनका कोई ओपिनियन नहीं था, अपना उनका कोई स्टैंड पॉइंट नहीं था, व्यू पॉइंट नहीं था, ये इंसान को ऐसा लगता है अगर मैं खुद इतना इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरा भी एक ओपिनियन हो सकता है, जो उनके फैमिली नहीं चाहते थे, हमेशा उनको दबा के रखा करते थे, तो उन्होंने भी ऐसा ठान लिया है कि अगर उनको कुछ कन्फेस करना है तो अपने फैमिली के सामने ही वो करेंगे, और उनको वो बोलेंगे भी, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन एंड आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन,
बिकॉज आई फील दैट दिस पर्सन इज राइट फॉर मी. जो वो कभी भी आपके लिए, इवन अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी है, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो भी आपके लिए भी स्टैंड लेंगे, जो वो पहले कभी भी नहीं लिया करते थे. यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देर इज टेन ऑफ वैंड्स? टेन ऑफ वैंड्स क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस. अगर आपका कंप्लेन इस तरह से है कि मेरे पर्सन जो है हमेशा बिजी, प्री ऑक्यूपाइड विथ वर्क स्केड्यूल्स, ठीक है, टूर ट्रेवल्स, सो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर वो इसी तरह से देखना चाहते हैं. एक आलीशान घर बहुत अच्छा, या एक सिंपल घर जहाँ पे पूरी तरह से खुशहाली हो, और उस घर को मेंटेन करना, खरीदना, अपना फ्यूचर आपके साथ देखना, कहीं ना कहीं पे बच्चे. सो ऑल रिक्वायर्स मनी, ऑल रिक्वायर्स हार्ड वर्क ऑल्सो टू अचीव ओके दैट स्टेटस. वन नीड्स हार्ड वर्क एंड स्टेमिना, ठीक है. सो ये इंसान इसी में व्यस्त है, तो आप उनसे गुस्सा ना करें. नाउ आई वांट टू सी दैट उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा. व्हाट इज द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन? व्हाट इज द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो, इनका फ्यूचर एक्शन इसी तरह से होगा कि इंसान जो इतना प्रोकास्टिनेट करते हैं, ठीक है, आलसी भी हो जाते हैं कभी कभी, एक्शन भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि पता है क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी लोडेड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, मेटेरियल सक्सेस के वजह से वो चीज़ उनको आपसे, ठीक है, दूर लेके गए. उनको वो पता है, एंड दैट्स वाई दे आर स्टिल रिग्रेटिंग, स्पेशली टू दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. उनके लिए खास है ब्लॉक रिलेशनशिप. उनको पता है कि उनका प्रोग्रेस के वजह से उन्होंने आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको जाने देना पड़ा अपनी लाइफ से, और वो कतई ही नहीं ऐसा करने देंगे. दे विल टेक दिस रिलेशनशिप टूअर्ड्स द लाइट, ठीक है, भले ही लेट हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा. इस वक्त वो डिसीजन लेने में नाकामयाब होंगे, बट वेरी सुन दे आर गोइंग टू टॉक टू यू इन दिस मैटर ऑल्सो. वो इसके बारे में आपसे बात भी करेंगे. सो मे बी विद इन अ डे, मे बी विद इन एन आवर, दे विल ऑल्सो टॉक टू यू. बट अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है, बिकॉज दे नीड टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. खुद को भी समझने के लिए उनको समय दे दो, ठीक है, उनको समय दो, उनको थोड़ा सा सोचने का है. हो सकता है कि होश हो, आवाज़ में ही रह के आपसे बात करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जोश से भी कभी कभी लोग बात कर लेते हैं. सो लेट देम थिंक, लेट देम कंटेम्पलेट एंड देन गेट बैक टू यू, स्पेशली टू दोज हु आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस और आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. अगर उन्होंने अपने माइंड को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, दुविधा में आ जाते हैं, हर बार सोचते हैं ये क्या करूँ तो ये अच्छा रहेगा, ये ना करूँ तो ये फिर गलत हो जाएगा. ओके, यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच. तो आप उनके जो है ना, उनके आँखों का आप वो हीरा है. Obviously, I get up every morning knowing that there will be a sweet romantic message from you on my phone. My days begin with you and end with you. उनका दिन आपसे शुरुआत होता है और आप ही से एंड होता है. Of course, every time I feel troubled, I just think of your love to ease my soul. That is the power of your love. जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो बहुत परेशान होते हैं तब वो आपको याद करते हैं, और उनको लगता है कि सारे ट्रबल्स जो है, सारे जो मुसीबत है वो टल गए हैं. क्यों? क्योंकि आप हो. सो दिस इज़ द वैल्यू दैट दे आर गिविंग टू यू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.